देश में बच्चियों पर बढ़ते अपराध को लेकर हो रही धर्म की राजनीति पर आज राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। एक ओर जम्मू कश्मीर में कठुआ गैंगरेप के आरोपियों के बचाव में निकाली गई रैली, फिर उस पर होने वाली हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति, और अब दिल्ली में 10 साल की बच्ची के कथित बलात्कार का मामला इसी का उदाहरण है। मौजूदा राजनीतिक माहौल में कई लोगों के लिए बलात्कार पीड़िता और अभियुक्त का धर्म शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। बच्ची हिंदू है, अभियुक्त मुसलमान है, और पुलिस दावा कर रही है कि इन्होंने बच्ची को एक मदरसे से बचाया है। ये सारी जानकारी पार्टियों के लिए राजनीति चमकाने के बढ़िया मौके की तरह है। इसी पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने इस घटना के विरोध में एक कैंडल मार्च भी निकाला था, जिसमें शामिल लोगों ने नाबालिग बताए जा रहे अभियुक्त को फांसी पर चढ़ाने की मांग की थी। गुस्साई भीड़ ने विरोध में पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाने का घेराव भी किया था। अब इस मामले में ट्वीट करते हुए मीसा भारती ने लिखा है, देश किसी आसिफा या गीता में भेद नहीं करता। यह अंतर भाजपा लोगों के जहन में पैदा करना चाहती है, इसलिए कहीं कथित बलात्कारियों के पक्ष में जुलूस निकलवाती है तो कहीं पीड़िता के पक्ष में जुलूस निकालती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी मीसा भारती ने बलात्कार की घटनाओं को लेकर हिंदुवादी संगठनों पर निशाना साधा था। मीसा भारती ने ट्वीट कर लिखा था कि तथाकथित राम भक्तों से अनुरोध है कि आप अपने ऐसे घृणित विभत्स कुकृत्य के बचाव में इस निर्लज्जता के साथ जय श्री राम के नारे ना लगाएं। इससे हमारे राम तुम्हारी हैवानियत के पीड़ितों से कभी नज़र भी ना मिला पाएंगे। पटना से लाइव सिटीज़ की रिपोर्ट।